धार संभाग में चल रही राजस्व खेती सीएम हेल्पलाइन आदि कामों की समीक्षा के लिए बीते दिन संभागायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संभाग के सभी 8 जिलों के कलेक्टरों और संभागीय अधिकारियों ने भागीदारी जताई। बैठक में संभागायुक्त ने बीते एक माह में संभाग में हुए कामों की समीक्षा की। बैठक के दौरान संभागायुक्त ने जहां एक बार फिर अमानक खाद बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने और फिर नोटिस देकर निरस्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिए, 19 फरवरी को होने वाली राजस्व लोक अदालत को लेकर भी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में रबी की फसल अमानक कीटनाशक की बिक्री रोकने, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, अति कुपोषित बच्चों की संख्या पर नियंत्रण करने और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने के साथ राजस्व विभाग के प्रकरणों का निराकरण करने के संबंध में समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी को राजस्व लोक अदालत आयोजित होगी। इस दौरान अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत हो, इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। मैं उसी की बस बात करूं, वही इवेंट है आज का। आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस थी जो प्रतिमाह हम लोग आयोजित करते हैं। सभी संभाग के 8 जो जिले हैं उनके सभी कलेक्टर सीईओस और जो सभी संबंधित विभागों के संभागीय अधिकारी इसमें थे। इसमें रबी की बोनी से लेकर खाद की उपलब्धता, उसके अलावा जो अमानक कीटनाशक उर्वरक या बीज पर कार्रवाई, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास की मेन जो योजनाएं हैं, जो संभाग का कुछ फोकस है अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी करना, ग्रामीण विकास की जो प्रमुख योजनाएं हैं जिसमें नदी रिवाइवल है, प्रधानमंत्री आवास है, मनरेगा है, इनका रिव्यू, भू अर्जन और जो राजस्व प्रकरणों का निराकरण है उसके संबंध में, इन सभी बिंदुओं पर डिटेल में समीक्षा की गई इसमें और उसमें निर्देश भी दिए गए। राजस्व लोक अदालत 19 फरवरी को आयोजित होगी अगली, और उसकी तैयारी के लिए भी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकन करके उनके डिस्पोजल की तैयारी कर लें ताकि लोक अदालत के लिए उनका अधिक से अधिक निराकरण किया जा सके।